कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा त्यजंगो कविकर्मणि। कोशिश करो, देखो तुम्हारे पैर ठीक हो गए। देखिए आपसे पहले मेरी जेस से बात हुई, उसका यह कहना है कि उसने एलियन को फंसाने के लिए ऐसा जाल बुना है कि इस बार एलियन का बचकर जाना बहुत मुश्किल है। यकीन दो, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरे पकड़ो उसे, पकड़ो भाई, जल्दी पकड़ो उसको। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा, रुक। अरे पहले तो आज भगा लिया तुमने अपन को, कर दी अब बच के कहाँ जाओगे? पहले वेरी गुड भाऊ भाई, वेरी गुड। अरे भाव भाई तो प्रेम है। अरे बोले तो मैं वो लड्डू नहीं जिसे आप लोग अपने मुंह में रख के गप जाए। मुझे पता था आप लोग इसी मौके की तलाश में होंगे कि कब बंडा बाहर निकलेगा और आप लोग उसे घेर लेंगे। उसने बताया था कि ऐसा ही होगा, उसे पता था कि आप लोग उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सॉरी आप लोग तो फेल हो गए। ए शाने, तुमने तो वेलन न सही, तू तो है ना, आज तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं। अरे बाबू भाई पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे बाबू पकड़ो उसे। अरे बाबू भाई पकड़ो इसे, रुक जाओ। अरे पकड़ो इसे बाबू भाई, मेरे को पकड़ में आ गया ना। हाँ तुम्हें इसको, अरे बाबू भाई वही रुक प्रेम, इस बार भागना नहीं तो हंसना नहीं तो। अब किधर जाएंगे? बाबू भाई पकड़ो, अरे किधर गए? अरे बाबू भाई किधर गया, वो कहाँ गया, किधर गया बोले तो। प्रेम बोले तो, अरे क्या बोले तो, बोले तो बाबू भाई, ये क्या हो रहा है आपको, क्या सामने देखो क्या हो रहा है। अरे बाबू मैं नीचे उतारो उसे, नीचे आप नीचे पत्थर भी नहीं है, क्या जादू हो रहा है बोले तो। अरे कुछ करो उसे नीचे उतारो, है नीचे।
किधर है प्रेम, किधर है तू प्रेम के बच्चे? ओए बांचंदा, बस बस बस, अरे बोला पर तो, अरे अरे बाबू भाई, अब आया तुम्हें होश ही निकालने का? तुम भी जेएस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, निकल गए ना हमारे हाथ से। मैं बोलता है मनचंदा, ये सब उस सेलेन का किया धरा है, उसी का जादू है। अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसकी गर्दन पकड़ के मार दूंगा। अरे गर्दन पकड़ने के लिए पहले हाथ तो लगे बाबू भाई। अब सोचते हैं उसको कैसे पकड़ा जाए। आप सोचो, आप सोचो। गोपाल जी, ये आपने बहुत अच्छा किया कि वंडर को वापस उसके घर भेज दिया। मुझे उसकी बहुत चिंता लगी रहती थी, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, कैसे राक्षस है इस दुनिया में, बेवजह किसी की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते। मां, अब इन राक्षसों का अंत निकट है, या तो इन्हें राक्षस से मनुष्य बनना होगा या तो। प्रेम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों मां, आप ही कहती है ना कि
कि गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है जो बुरे है, दुष्ट है, स्वार्थी है, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। बस अब आप देखिए मैं इन दुष्टों को कैसे दंड देता हूं। क्या बात है शान, अकेले अकेले फुटबॉल खेल रहे हो? डैड बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस? कोई नया मैच आ रहा है? डैड नेशनल जूनियर टीम के लिए हर स्कूल से अच्छे अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट किया जाने वाला है, इसलिए हमारे स्कूल में भी दो टीमों के बीच मैच होगा। वेरी गुड, मतलब शान मनचंदा फुटबॉल चैंपियन भी बनेगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। डैड कोशिश तो मैं पूरी करूंगा, पर हर वक्त की तरह इस वक्त भी वही मुसीबत मेरे ऑपोजिशन में खड़ी है। कौन सी मुसीबत? प्रेम डैड, वो दूसरी टीम का कैप्टन चुना गया है। वो जिलेबी वाड़ वाला प्रेम कृष्ण। आई एम वरीड डैड, कहीं प्रेम या उसके कोई फ्रेंड का सिलेक्शन ना हो जाए। डोंट वरी, ये तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना कि उस वक्त क्या होगा और क्या नहीं। वही तो डैड, पता नहीं प्रेम के साथ लक फेवर करता है या आई डोंट नो। मैं सिर्फ यही चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि प्रेम और उसके साथ ही अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाए। बट यू डोंट वरी बेटा, मैं प्रेम के सामने प्रॉब्लम्स का इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दूंगा कि उसे लांघ कर जाना उसके लिए इम्पॉसिबल। ना तो वो खेल के मैदान तक पहुंच पाएगा और ना ही सिलेक्ट होगा। यू डोंट वरी। एंड वन मोर थिंग, ये मैच सिर्फ और सिर्फ शान मनचंदा जीतेगा और कोई नहीं। ओके? थैंक यू डैड, थैंक यू। अरे नारायण, अरे किधर है यार? इधर आओ। एक किलो शक्कर, दो किलो चावल। अरे बहन जी, वो 12 रुपए वाला उखड़ा चावल दे दूं? हाँ, 2 किलो चावल उखड़ा और आधा किलो मैदा, चल बांध के दे दो बहन जी को। अरे यार, हेलो, हाँ बिस्किट, कौन सा बिस्किट? अरे छोटा भाई एक काम करो, अरे पहला चाय का पत्ती भेजो, अरे बेसन बाद में भेजना यार। हाँ रखता है, सब मिला के 222 रुपया हो गया, आपके महीने वाले हिसाब में लिख दो। अभी नमस्ते, आप भूपेश भाई जी? ये पर्ची में सामान लिखा है, इतना भेज दीजिए। अरे हाँ जी, आधा लीटर रिफाइंड, आधा किलो तूर की दाल, 1 किलो शक्कर, 5 किलो आटा। आटा कोई बात नहीं। अरे नारा इधर आओ, जल्दी से सामान लेके आओ। आपने कष्ट क्यों किया? प्रेम बेटा को भेज देते, उसके हाथ में भिजवा देता मैं, वो स्कूल गया है। अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप घर जाइए, ये नारायण सामान लेके आ जाएगा। आप पैसे कितने हुए? अरे भाभी आप चिंता मत करो, मैं बिल भी साथ में भेज दूंगा। ठीक है, नमस्ते जी। जल्दी कर, जल्दी कर, भाभी का सामान भेजना है, चल। अरे नारायण, अरे पहले भाभी का सामान देखे आओ, और सुनो बिल मत मांगना, अगर अपनी खुशी से बिल दे दिया तो ले लेना, समझा क्या? अरे इधर क्या, अरे पहले शर्मा जी का भी सामान देखे आओ ना। अरे रोकड़ा पार्टी है, तुमको मालूम है रोकड़ा पैसा देगा तो दुकान चलता है। भाई साहब, अरे क्या भाई साहब की बात? अरे साहब, आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे होम डिलीवरी है ना? अब बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ साहब, बोलो। मैं दूसरे काम से आया। किस काम से आए? किसी ने बताया कि जो जमीन है उस पर जितनी खुलियां हैं वो सब तुम्हारी। सही बताया, ये तो भगवान की कृपा है साहब, ये जितना एरिया है ना अक्का एरिया मेरा है, यहाँ पे जितने भारोत्री है ना वो भी मेरे हैं, बहुत जूने हैं, बरसों से इधर पड़े हुए हैं,
इसे भाड़ा मांगो तो इनकी नानी मर जाती है, भाड़े के नाम पे दो पैसा तक नहीं देता साहब। तो काम क्यों नहीं करते? क्या काम? इस सारे कबाड़ को निकाल। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? नहीं हो सकता साहब। अगर हो जाए तो क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुम्हें इस जमीन की मुंह मांगी कीमत दूं तो। समझ गया साहब। साहब आप इधर आना, बैठो साहब, इधर बैठो, बैठो साहब। साहब आप बिल्डर है ना? यूं समझिए कि मैंने इस शहर को सुंदर बनाने का जिम्मा लिया। हाँ समझ गया, तो पैसा भी तो आप ही कमाएंगे ना साहब? लेकिन उसमें से छोटा सा अच्छा सा टुकड़ा तुम्हें भी मिलेगा। ऐसा अगर तुम मुझे ये जगह 7 दिन के अंदर खाली करके दो तो। समझो आपका काम हो गया, मगर मेरे को कितना रोकड़ा मिलेगा? यूं समझो कि एक सुंदर से कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा अपना एक अच्छा सा सुपर मतलब करोड़ों में करोड़ों में पैसा। समझो साहब आपका काम हो गया, जितना भरोतरी रहता है ना इस सबको यहां से खाली करवा देगा, वचन देता है। लेकिन याद रहे मुझे सारी जगह 7 दिन के अंदर खाली चाहिए। समझो 7 दिनों के अंदर आपका काम हो जाएगा, मैं आज से धंधे पे लग जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अमाउंट कम है? 3 करोड़ दूंगा। नहीं नहीं अमाउंट बराबर है, बात कुछ और है। क्या है कि ये नुक्कड़ वाले मकान में ना यूनियन लीडर कृष्णकांत सहाय की विधवा अपने बच्चों के साथ रहती है और पूरी बस्ती वाले उसको बहुत मानते हैं। बस यही एक प्रॉब्लम है उसका मकान खाली कराने के लिए साहब। क्या नाम कहा तुमने? कृष्णकांत सहाय साहब। मैं जानता हूं कि तमाम मजदूर तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तमाम मजदूर तुम्हारी हर बात मानते। लेकिन इस वक्त काफी मजदूर बितके हुए हैं, हड़ताल की धमकी दे रहे हैं और अगर कोई इस हड़ताल को रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो सहाय, सिर्फ तुम। देखो अगर हड़ताल होगी तो मालिक का जो नुकसान होगा वो मालिक झेल ही जाएगा, लेकिन कभी तुमने मजदूरों के बारे में सोचा है? सोचा है उनके बाल बच्चों के बारे में? अरे उनके घर में तो चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे, भुखमरी से न जाने कितनी जाने जा सकती हैं। अरे ये सोचकर तुम मेरे रोंटे खड़े हो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं ये चाहता हूं कि तुम उन मजदूरों को समझाओ, तुम उन्हें ये बात समझाओ कि जो काम चल रहा है उसे चलने दो, उसी में हम सब की भलाई है, मजदूरों की भी और मालिक की भी। हां अगर तुम उन मजदूरों को समझाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जिससे तुम अपने लिए छोटी मोटी फैक्ट्री खोल सकते हो, तुम खुद मालिक बन सकते हो। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा सहाय, वो भी नगद। इसका मतलब यह हुआ मनचंदा साहब कि आप मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं सहाय नहीं, वैसे मुंह तो तुम्ही को खोलना होगा ना। रही बात आवाज की, आवाज उन मजदूरों की बंद करनी है जो बाहर शोर मचा रहे हैं, उनकी बंद करनी। ये शोर नहीं है साहब, ये सुलगते पेट से उठता हुआ धुआं है और जिसका ईंधन है बेईमानी और नाइंसाफी। आपको गवर्नमेंट से प्रति मजदूर 125 रुपया मिलता है, उसके बदले में आप मजदूर को देते हैं मात्र 15 रुपया। ऐसे में बेचारा क्या खाएगा और अपने परिवार को क्या खिलाएगा? बहुत बड़ी जाति कर रहे हैं आप मजदूर के साथ।
इसका मतलब ये हुआ मिस्टर कृष्णकांत सहाय कि आप मेरी बात नहीं मानते। नहीं, हरगिज नहीं। मेरा जमीर इस बात को गवारा नहीं करता। क्या सोच रहे? देखो जी, अब मुझे ये जमीन किसी भी कीमत में 7 दिनों के अंदर रखा चाहिए।